आपको जैसे पता ही है कि कोरोना वायरस की जो बीमारी है, जो पैंडेमिक है, ये अनप्रेसिडेंटेड है, ये पहले कभी नहीं देखी गई ऐसी बीमारी, और एक्स्ट्रॉर्डनरी इसका इम्पैक्ट है अक्रॉस द ग्लोब एज ऑल्सो आपको पता ही है इंडिया में। जैसे हम बात कर रहे हैं तकरीबन 13 लाख लोग इससे इन्फेक्टेड हुए हैं ग्लोबली एंड मोर देन 74,000 डेथ्स हैव अकर्ड अक्रॉस द वर्ल्ड। एंड हमको ये रियलाइजेशन अच्छी तरह हो गई है कि ये डेंजर जो है ये रियल है, इमिनेंट है और अनप्रेसिडेंटेड है। जैसे मैंने बताया जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बड़ी क्विकली स्टेप्स लिए थे, पर हमने नेवी में भी उसके कॉन्सनेंस में कई स्टेप्स ले लिए थे। जैसे हमने रिक्रूटमेंट और स्टॉप किया था, ट्रेनिंग में थोड़ा सा चेंजेस लेके आए थे, हमने जो मूवमेंट्स और ट्रांसफर्स थे ऑफिसर्स एंड सेलर्स के बंद कर दिए, जो काम थे हमने मेनली फोकस किया था कि नेशनल सिक्योरिटी, हेल्थ सर्विसेज और एसेंशियल सर्विसेज पे जोर दिया जाए, और जो दूसरे टास्क जिसमें बहुत लोगों का इकट्ठा होना था वो हमने बंद कर दिया।